तो अपन पढ़ रहे थे जी, सर, बोलिए। ओलियम ओलियम क्या होता है? अच्छा, क्या होता है? H2SO4 के साथ में कुछ मिला के बनाया जाता है। क्यों? हाँ है यार, मतलब लिक्विड उसमें होगा। हाँ लिक्विड में होता है। हाँ, यस सर। मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया जाता है ऐसे। शायद अपन कंडक्टोमेरिक हाइड्रेशन कर रहे थे, है ना? यस कि यस एच सर। और ओ एच माइनस का लैम्डा, लैम्डा ऑफ एच प्लस और ओ एच माइनस, ये बाकी वालों से ज्यादा होता है कि कम होता है? ज्यादा ज्यादा होता होता है अदर आयन से। तो अपन ने शायद स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला बना लिया था, सर। और मैंने कुछ होमवर्क में दिया था कि टाइट्रेशन हो, ये टाइट्रेशन हो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इसका ग्राफ कैसा था? पहले आया नीचे और फिर हुआ ऊपर, ये कौन सा पॉइंट था? इक्विवेलेंट पॉइंट था। तो ये पहले नीचे किसकी वजह से आ रहा था, कोई बताएगा? याद है? सर, एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन घटती है। एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? कम। और यहाँ क्या हो रहा है इक्विवेलेंट पॉइंट के बाद में? ओ एच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है? बढ़ रही। और ऐसा ही अपन ने ग्राफ देखा था कि टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, और यहाँ है वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एडेड। ये ग्राफ में फर्क क्या आता है? कुछ फर्क आता है क्या? सर, बात कि यहां और यहां में फर्क क्या है, हो क्या रहा है, चेंज क्या हो रहा है? मैंने बताया पहले लिखा जाता है वो नीचे कंटेनर में लिया जाता है, और ऊपर बाद में लिखा गया जो ऊपर से टिप टिप बरसा रहे हैं ऊपर, याद है? हाँ। तो यहाँ मान लो HCl नीचे कंटेनर में लिया है और ऊपर से NaOH डाल रहे हैं, और यहाँ NaOH नीचे कंटेनर में रखा है और ऊपर से क्या डाल रहे हैं? HCl डाल रहे हैं। तो यहाँ पे भी ग्राफ का पैटर्न वही है, बट पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही होगी और फिर इक्विवेलेंट पॉइंट के बाद में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, ये बताया था ग्राफ्स मैंने। हाँ, यस और दो और भी करने को दिए थे, पता नहीं कितने लोग करके आए। ये ग्राफ दिया था मैंने कि टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल मान लो CH3COH, साथ में क्या ऊपर से क्या डाल रहे हो आप? NaOH। इसका ग्राफ कैसा आएगा? ये हो गया लैम्डा, और नीचे क्या लिखूं? वॉल्यूम ऑफ किसका एडेड? वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एडेड। ये ग्राफ कैसा आएगा? पिछले जैसा ही आएगा, कुछ अलग आएगा? पिछले बार में क्या था, यहाँ मान लो HCl था, तो HCl पूरा पूरा टूट रखा है किसमें? H प्लस और Cl माइनस में, और जैसे जैसे आप ऊपर से OH माइनस डाल रहे हो, जो क्या कहते हैं H प्लस है उसके साथ रिएक्ट हो रहा है, तो H प्लस कम होता जा रहा है जब तक पूरा H प्लस खत्म ना हो जाए। यहाँ क्या चीज है, यहाँ से समझिएगा, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक दो बार IIT वालों ने भी पूछ रखा है ये ग्राफ। इसमें क्या है, पहले CH3COH इसको पानी में डालेंगे, तो ये रिवर्सिबल है कि इररिवर्सिबल है? कैसे टूटेगा ये? पूरा टूट रखा है कि कुछ ही हिस्सा टूट रखा है इसका एच प्लस में? कुछ 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 हिस्सा टूट टूट रहा। रखा। तो ये हो गया CH3CO माइनस एच प्लस, और प्लस हो गया एच प्लस एच प्लस। तो मुझे बताओ ये जो एच प्लस है, ये बहुत थोड़ा सा है कि काफी पूरा टूट रखा है? मान लो ये एक मोल है, एक मोल कितना मोल एच प्लस होगा? बहुत कम, 0.00 मोल एच प्लस पड़ा है। तो शुरुआत में जब आप क्या डाल रहे हो? NaOH डाल रहे हो। आप ऊपर से क्या डाल रहे हो? NaOH डाल रहे हो। NaOH डाल रहे हो मतलब क्या डाल रहे हो आप? OH माइनस डाल रहे हो। OH माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, तो यस रिएक्ट करेगा, तो अभी थोड़े से टाइम के, जो सॉल्यूशन में पहले क्या पड़ा था? एच प्लस पड़ा था। अभी आप समझिए, पहले कंटेनर में सिर्फ कौन है? CH3COH है, जिसका
बहुत थोड़ा सा हिस्सा किसमें टूट रखा है, तुम्हारा एच प्लस में टूट रखा है, जिसके कारण कुछ पीएच रहा होगा। अब आपने वो एच डाला तो शुरुआत में खुला एच प्लस पड़ा है, उसके बाद रिएक्ट कर जाएगा। कुछ थोड़े से टाइम तक पहले से भी वैसे कम ही होगा, क्योंकि कम ही एच प्लस टूटा हुआ है, उसके कारण थोड़ा क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। ये किसके कारण हुआ, जो शुरुआत में जो एच प्लस था बहुत थोड़ा सा उसमें कमी आई। अब जितना एच प्लस ऑलरेडी टूट रखा था या ऑलरेडी डिसोसिएटेड था वो तो इसके साथ रिएक्ट हो गया, अब वो एच माइनस किसके साथ रिएक्ट करेगा, एच पॉजिटिव। एच पॉजिटिव कैसे करेगा, अब देखो अब कोई नया नुकसान नहीं है, अब क्या है प्रोडक्ट रिमूव कर रहे हैं। याद है ली सेटले प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि प्रोडक्ट रिमूव करते हैं तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होता है, आगे की तरफ शिफ्ट होता है। रिएक्शन कहाँ जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो एच प्लस तो भले ही एच माइनस के साथ रिएक्ट कर रहा है, बट ये सी एच थ्री सीओ माइनस बनता जा रहा है। अरे सी एच थ्री सीओ माइनस भी तो एक आयन है, आयन ना, बोलो के साथ इस टाइम अब नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है, नुकसान। मान लो कि NaOH नहीं होता तो इसका कितना था 0.00001 मोल था, और ये भी 0.001 मोल, शुरुआत में NaOH 0.001 मोल के साथ में रिएक्ट कर गया तो ये इतने का नुकसान हुआ। NaOH नहीं था तब सॉल्यूशन में कितना था तुम्हारा 0.001 मोल था, उतने का नुकसान हो गया। अब उसके बाद में नुकसान क्या हो रहा है, उसके बाद तो CH3CO- बढ़ता ही जा रहा है, ये तो पहले था ही नहीं ना, NaOH डालने के बाद ही ये कम रिएक्ट होता जा रहा है ना। यस सर, इसको समझते हैं कि यहाँ पे नेट नुकसान नहीं हो रहा, नेट फायदा हो रहा है, रिएक्शन जितनी आगे जाएगी उतना CH3CO- बनता जाएगा, तो यहाँ पे ग्राफ क्या होगा तुम्हारा बढ़ेगा। इसकी वजह से बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे किसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, CH3CO- की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। ये कब तक चलता जाएगा आगे, जब तक पूरा एच प्लस क्या नहीं हो जाए, खत्म ना हो जाए CH3CO- के, तब तक बढ़ता रहेगा क्योंकि OH- एच प्लस के साथ रिएक्ट करता रहेगा। और जैसे ही इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया, जैसे ही इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया, ये आ गया आपका इक्विवेलेंट पॉइंट, और इक्विवेलेंट पॉइंट के बाद में अब एच प्लस पूरा खत्म हो चुका है, तो अब क्या होगा आगे, OH माइनस बढ़ेगा तो उसके कारण ग्राफ भी बढ़ेगा। आप यहाँ पे नोट करो तो तीन पार्ट में ग्राफ को तोड़ा है मैंने, ये सेकंड और ये थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट को समझिए, जितना CH3COH ऑलरेडी एच प्लस और CH3CO- में टूट रखा था, तो वहां का जो टूटा हुआ ऑलरेडी टूटा हुआ एच प्लस है उतना ही एच प्लस का नुकसान हो रहा है, बाकी तो नुकसान अपन जबरदस्ती सोच रहे हैं। किसके साथ NaOH बाहर से डाल रहे हो तो वो क्या है, टूटा हुआ नहीं था, फिर अपन तोड़ रहे हैं जबरदस्ती, उसके कारण तोड़ने से H+ का नुकसान मत समझो, ऐसे समझो कि एक और आयन आ रहा है आपके लिए, फायदेमंद चीज हो रही है। उसके बाद में CH3CO- बढ़ने के कारण ये ग्राफ बढ़ रहा है, कंडक्टेंस बढ़ रहा है, और फिर एक जैसे इक्विवेलेंट पॉइंट आया OH- के कारण पीएच बढ़ रहा है। कोई मुझे बताएगा कि सेकेंड और थर्ड की स्लोप में क्यों फर्क है, किसकी स्लोप ज्यादा है सर? क्योंकि OH का ज्यादा होता है ना। वेरी गुड, एक आयन बढ़ रहा है CH3CO- अदर आयन हो गया, बाद में कौन बढ़ रहा है OH- बढ़ रहा है, तो OH- और CH3CO- में कंडक्टेंस किसकी वजह से ज्यादा होता है, OH- की वजह से। यहाँ पे ज्यादा क्योंकि लैम्डा ऑफ OH- इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ CH3CO। तो ये है पूरा ग्राफ, इस ग्राफ को कभी कभी ऐसा भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इसी ग्राफ को कभी कभी ऐसा भी लिखा गया होता है, तो ये भी सही माना जाएगा लैम्डा, और ये हो गया वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एडेड। ये जो छोटा वाला पार्ट है ये बहुत छोटा पार्ट है, तो उसको नेग्लेक्ट ही कर देते हैं, तो नेग्लेक्ट करते हैं तो इसका ग्राफ कभी कभी ऐसा बना दिया जाता है, ये और फिर ये, मतलब सेकेंड और थर्ड वाला ही पार्ट रखा, फर्स्ट वाला हटा ही दिया, ऐसा भी कर सकता हूं मैं, ये वाला छोटा सा पार्ट था, ये वाला पार्ट इग्नोर ही मार दिया कि बहुत कम सा ही तो हिस्सा एच प्लस का टूटा हुआ था, तो बहुत कम ही जगह पे तो क्या हुआ एच प्लस का नुकसान हुआ, तो इसको इग्नोर करके ऐसा वाला भी बना दिया जाता, तो ये भी ग्राफ क्या है सही, ये हो गया इक्विवेलेंट।
पहले ये ग्राफ बनाओ, फिर आपको क्या बनाना है, वीक एसिड की जगह वीक बेस और साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ग्राफ कैसे बनेगा वो सोचो। पहले ये छापो, देखो ये ग्राफ अभी जैसे है वैसे समझ में नहीं आएगा, ये अपनी लैंग्वेज में लिख लेना कि शुरुआत में टूटा हुआ एच प्लस था वो कम हुआ, इसका थोड़ी देर तक ग्राफ क्या हुआ तुम्हारा नीचे गिरा, फिर जैसे एच प्लस रिएक्ट करा रहा था OH- के साथ, इसके साथ साथ CH3CO- बनता जा रहा था तो CH3CO- की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही थी तो ग्राफ बढ़ रहा था, और OH एक बार इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया तो उसके बाद में ऊपर से और OH- डालते जा रहे हो तो और कंडक्टेंस बढ़ रहा है। जिसने ये लिख लिया हो वो इस चीज का ग्राफ बनाए। टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, एग्जांपल दे देता हूँ, ये हो गया NH4OH, साथ में लिया है आपने HCl, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये हो गया लैम्डा, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एडेड, कितनों को लग रहा है ग्राफ वैसा ही बनेगा या अलग बनेगा, पैटर्न ग्राफ का वही होगा। यस सर, मतलब क्या है बहुत ही कम टूटा हुआ है तो शुरुआत में बहुत कम टाइम के लिए ग्राफ गिरेगा, फिर बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, ये किसके लिए बढ़ेगा वो बता सकते हो आप, पहले किस लिए गिरा है क्योंकि OH नेगेटिव, ये किस लिए इंक्रीज हो रहा है NH4 पॉजिटिव होगी बढ़ेगी, यहाँ क्यों बढ़ रहा है बाद में यदि आप कर पा रहे हो तो कितना भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ ले आप सही करके आओगे। आगे बढ़ा जाए। यस सर। चलो ये लिख लिया सभी ने, आगे बढ़ूं? यस सर। दिव्या तुझे कैसे पता चलता है सभी ने लिख लिया? ऐसी मैंने तुम्हारा एक इंटरनल ग्रुप वगैरह भी है। यस सर। वहाँ इतना पता चल जाता है सबका, आगे बढ़ो। नहीं वो वैसे बता रही हूँ कर लिया होगा। I think you are beating the speed of light, yes, sir. पहले ऐसा होता था कि ये WhatsApp में जितनी जल्दी बातें फैलती है ना उससे ज्यादा जल्दी बातें कई इंसानों को बोलने से, वो एक पता नहीं मूवी थी देखी नहीं थी, एक अनिल कपूर की मूवी है उसमें अनिल कपूर के दो किरदार है, अनिल कपूर जानते हो वही अपने सोनम के पापा, यस सर, कम मोहल्ले में रहते हैं, यस सर, ऐसे बोल रही जैसे पीछे वाली गली में रहते हैं, आज ही देखा था उनको कि अंकल जी नमस्ते, तो पड़ोस में, सही है सही है, उसमें ऐसा होता है एक किरदार होता है परेश रावल का कि जब तक वो सबको नहीं पता तब तक उसका पेट नहीं भरता है। हाँ जी, तो एक और ग्राफ है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, तो इसमें एक AgNO3 है नीचे कंटेनर में, ऊपर से क्या डाल रहे हैं KCl डाल रहे हैं, आप समझ पा रहे हो नीचे AgNO3 है, यहाँ इसमें AgNO3 लिया है और ऊपर से KCl डाल,
तो यहाँ पे क्या होगा, आपको समझ में आ रहा है आगे पीपीटी बनेगा एजीसीएल का, और साथ में क्या बचेगा, क्या फिर KNO3 NO3 थ्री। अब मुझे एक ग्राफ फटाफट बना के बता दो कि कैसा बनेगा ग्राफ। ये है लैम्डा और ये है वॉल्यूम ऑफ KCl एडेड। बताओ जरा ग्राफ कैसा आएगा। ये है पीपीटी, AGCl का पीपीटी बना है। पहले ये सोचो कौन सा आयन किसको रिप्लेस कर रहा है, कुछ हो रहा है कि चेंज कि नहीं हो रहा है। शुरुआत में कौन से आयन थे इसमें, अरे शुरुआत में इनिशियली कौन से थे, Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, और अब आ कौन रहे नीचे आ रहे हैं नए के प्लस और सीएल माइनस। अब के प्लस और सीएल माइनस का, सॉरी Ag प्लस और सीएल माइनस मिलके तो क्या बना रहे है तुम्हारे, AgCl का पीपीटी बना रहे। यस सर। अब ये NO3 माइनस और Ag प्लस था, अब प्लस की जगह कौन आ गया, के प्लस आ गया। ये बात समझ में, Ag प्लस की जगह कौन सा, के प्लस रिप्लेसिंग Ag प्लस आयन। क्या फर्क पड़ेगा, क्या ये OH माइनस वाला है, क्या ये OH माइनस वाला है, कहां से आवाज आ रही है भाई। K प्लस को रिप्लेस कौन कर रहा है, सॉरी Ag प्लस को रिप्लेस कौन कर रहा है, K प्लस। तो क्या ये H प्लस और OH माइनस में से कोई है क्या, तभी ज्यादा फर्क पड़ता है, बाकी आयंस में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना। यस yes, तो यहाँ ग्राफ में कुछ ज्यादा फर्क पड़ना चाहिए कि कांस्टेंट चलना चाहिए, कांस्टेंट कांस्टेंट ये कब तक चलना चाहिए, जब तक क्या नहीं आ जाए इक्विवेलेंट पॉइंट। इक्विवेलेंट पॉइंट के बाद तो आप एक्स्ट्रा, इक्विवेलेंट पॉइंट के बाद तो आंखें बंद करके बोल दो ग्राफ क्या होगा, इंक्रीज ही होगा। Yes, sir. Yes, sir. ये जब हमने एग्जाम दिया था 2013 पूछा गया था लिटरली यही। में तुम कितने साल के थे, सिक्स्थ क्लास में थे। माय गॉड, सिक्स्थ क्लास में, अरे नहीं थर्ड 2013 में सिक्स्थ क्लास में, तो कितने बार फेल हुए बेटा। सर नहीं मेरे को लगा ना आप संदर्भ 13, मेरे को लगा संदर्भ 16 की बात कर। क्या लगा, जलेबी समझती है, तेरा फेवरेट डिश जलेबी है क्या। इक्विवेलेंट पॉइंट हो गया नीचे, वॉल्यूम ऑफ केसीएल एडेड, चैप्टर हो गया खत्म। अगला चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। सर पहले इसके क्वेश्चन कर लेते हैं यार, क्या इस चैप्टर के क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कराए तो है इस चैप्टर के बीच में, नहीं कराए तुम्हें, नहीं करे और ओके okay, आपको उसके डाउट पूछने नहीं, क्वेश्चन मतलब जो भी इससे रिलेटेड और करने, और करने ओके okay. ये भी सही बात है, लास्ट वाला थियोरेटिकल पार्ट है, क्या करूं मैं इधर से ज्यादा, सब अंदर खिचड़ी पक जाएगी आज। नहीं 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 इतना कुछ नहीं मिक्स हो रहा है ना मेरा, मुझे लग रहा है अभी लेक्चर का ना शुरुआत हुआ, एक घंटा पढ़ा है, तो ऐसा रजिस्ट मत करो कि सर नया चैप्टर अगले जब नया लेक्चर लो तब लो। बहुत आसान आसान चीजें केमिकल काइनेटिक्स की, जस्ट शुरुआत कर रहा हूँ, ज्यादा कुछ बड़ी बातें नहीं, जस्ट चैप्टर की शुरुआत। इसके क्वेश्चन ग्रुप में भेज दीजिएगा, ठीक है ग्रुप में भेज दूंगा। और आप एक काम करिएगा, आपके पास पेज का मटेरियल है। नो सर, कुछ भी नहीं दिया। तो पेज का मतलब बुकलेट वगैरह मॉड्यूल नहीं है आपके पास। नो सर। तो ठीक है मैं श्रीकांत सर से बात कर लूंगा, आपके ग्रुप पे जितने भी अभी चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं उनकी क्या होगी मॉड्यूल भेज दी जाएगी, तो उसमें है ना प्रॉपर क्वेश्चंस है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप के, सब्जेक्टिव टाइप के,
प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन, मेंस लेवल के, एडवांस लेवल के, और मेडिकल वालों के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो मैं बता दूंगा सर को कि आपके वो ग्रुप पे ये मटेरियल भेज देंगे, ठीक है। यस और कुछ सेवा हमारे योग्य? सर। और सर नो सर। कहते कि सबसे अच्छी बुक कौन सी होगी आईआईटी के लिए? किस चीज के लिए, मतलब कौन से सब्जेक्ट के लिए? केमिस्ट्री सर केमिस्ट्री के लिए। में भी, फिजिकल के लिए कि इनऑर्गेनिक के लिए कि ऑर्गेनिक के लिए? तीनों सर जो तीनों में मिलती हो बता दो। में नहीं मिलती यार, एक की अलग अलग मिलती है। तो आप क्या कहते हैं, आप किसके लिए तैयारी करना चाह रहे हो, मेंस लेवल की कि एडवांस लेवल की? सर एडवांस। हाँ, तो आप फिजिकल में, फिजिकल केमिस्ट्री में आप क्या कहते हैं, ये तीनों ही बालाजी पब्लिकेशन की? हाँ, तीनों ही बालाजी पब्लिकेशंस की है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में नरेंद्र अवस्थी, सोडियम सर बोलते हैं इनको। सोडियम सर क्यों बोलते हैं, समझ में आया तुम्हें? यस सर एनी। एन हो गया और ए हो गया। और ऑर्गेनिक में ये भी बालाजी पब्लिकेशन की है, एम एस चौहान है, ये नाम सुना होगा शायद आपने, सुना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक का विशाल जोशी, ये दो बुक्स तो एम एस चौहान और ये सारे लोग, सारे स्टूडेंट्स कर सकते हैं, मतलब मेडिकल, इंजीनियरिंग, मेंस, एडवांस, सबको करना चाहिए ये बुक। और नरेंद्र अवस्थी एडवांस वाले करें, बाकी वाले इसकी जगह पी बहादुर भी लगा सकते हैं, ठीक है। पी बहादुर मेंस, जेई मेंस वालों की पी बहादुर की जेई मेंस वाली आती है, मेडिकल के लिए, मेडिकल के लिए पी बहादुर आती है, वो लगा सकते हैं। ये बुक भले मेडिकल है भले इंजीनियरिंग है, ये दोनों बुक लगा सकते हो आप। और टेलीग्राम वगैरह देखना नहीं चाहिए, रिकॉर्डिंग हो रही है भैया, ये तो गलत बात होती, खरीदना होता है, ठीक है। नहीं तो कहीं ना कहीं मटेरियल पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा, आप ट्राई करोगे, सर दिशा पब्लिकेशन कैसी है? क्या दिशा पब्लिकेशन दिशा पब्लिकेशन में आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, है ना। ओके, तो इसमें भी क्वेश्चन होंगे ना, ये थ्योरिटिकल बात तो दिशा पब्लिकेशन या अरियन ज्यादातर किस लिए जाना जाता है, अपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के लिए। दिशा पब्लिकेशन अपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के लिए ज्यादा जाना जाता है। तो आप एक ऐसा ले लेना प्रीवियस ईयर्स में जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के ही आ जाए, प्रीवियस ईयर्स तो करने बहुत जरूरी है, ये मैं बोल रहा हूँ। प्रीवियस ईयर्स के अलावा यदि आप प्रैक्टिस करनी तो ये स्टैंडर्ड बुक्स। और कुछ पूछना है? पढ़ते हो तुम इसके अलावा, ये जितना पढ़ाया जा रहा है उसके अलावा पढ़ते हो कुछ? सर। कहाँ से पढ़ते हो? सर दिशा पब्लिकेशन से ही करती हूँ। दिशा पब्लिकेशन ऑथर को, प्रीवियस पता नहीं। मतलब किसी ने लिखी होगी ना बुक, इनको तो जानता हूँ हाँ तीनों को, ये पहले, हाँ तीनों को नहीं, दोनों से देख रखा है, ये तो हमारे गुरुजी रहे, पढ़े हैं हम इनसे, है ना। ऐसे नहीं कि गुरुजी है तो सर आगे नाम बढ़ा रहे, नाम है इनका इंडस्ट्री में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम लिखेगा केमिकल काइनेटिक्स। तो इस चैप्टर में दो बातें कवर की जाएगी, एक तो केमिकल के काइनेटिक्स वाला पार्ट और दूसरा पार्ट न्यूक्लियर केमिस्ट्री। आपकी मॉडर्न फिजिक्स भी उसमें कवर हो जाएगी, मॉडर्न फिजिक्स में ये चैप्टर है ना शायद, कि अल्फा निकलेगा कि बीटा निकलेगा, कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं, याद है किसी को? हाँ है सर। ये पढ़ा दिया कि अभी नहीं पढ़ाया?
अभी नहीं पढ़ा है। तो वो वाला क्या कहते हैं पार्ट भी यहाँ पे कवर हो जाएगा अच्छे से, मॉडर्न फिजिक्स का वो वाला पार्ट भी। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ते हैं, आपने सभी ने ये तो चैप्टर पढ़ ही रखा होगा, स्कूल में तो पढ़ लिया होगा ना। यस सर। तो क्या क्या पढ़ाया जाता है इसमें, रासायनिक गति की, क्या नाम है इसका, रासायनिक गति की, बल गति की। रासायनिक बल गति की बल गति। ओके, तो ये बल गति की में क्या पढ़ाया जाता है। सर, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी वो भी बताया जाता है। सर, यस सर, कॉन्सेंट्रेशन क्या, सांद्रता है ना, यस सर, टेम्परेचर सर, और टेम्परेचर, कैटलिस्ट कैसे इफेक्ट करता है, कैटलिस्ट भी तो होते हैं। हाँ, यस सर, एरिया, और यस मैकेनिज्म क्या होगा, मतलब फर्स्ट ऑर्डर है कि सेकंड ऑर्डर है, ऐसा भी पढ़ाया जाता है। हाँ, सर, तो लिखना जैसे अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए पढ़ा था, कि इस चैप्टर में अपने क्या कवर किया था, तीन चीजें कवर इलेक्ट्रो की थी, इलेक्ट्रो या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में पहले गैलोनिक सेल पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और फिर लास्ट में क्या पढ़ा, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस। वैसे ही दिस चैप्टर अपन पढ़ेंगे पहला स्पीड ऑफ रिएक्शन, दूसरा कैटलिस्ट अफेक्टिंग स्पीड ऑफ रिएक्शन, अफेक्टिंग स्पीड ऑफ रिएक्शन, तीसरा रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ये तीन पार्ट को मोटे मोटे तौर पे कवर किया जाएगा इस चैप्टर में। उसके बाद में टाइप ऑफ रिएक्शंस, टाइप ऑफ रिएक्शंस किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, स्पीड के बेसिस पे रिएक्शंस को कितने कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकता हूँ, सही स्लो फास्ट और मीडियम। हिंदी में बोलो तो। अभी क्रियाओं को गति के आधार पे कितने चीजों में बांट सकते, कितने प्रकार में बांट सकते हैं, तीन में ना, स्लो फास्ट और मीडियम। स्लो मतलब धीमे धीमे, क्या बोलते हैं पता नहीं, स्लो को क्या बोलेंगे, मंदिर। मंद, और फास्ट मतलब तेज है ना, यस और मीडियम मतलब मध्यम, मध्यम। सर, हाँ, इसमें क्या नहीं आ रहा था हिंदी और इंग्लिश में समझ, स्लो फास्ट तो समझते हो ना, और मिड बीच यस वाले, इसका एग्जांपल कोई, स्लो वाले का एग्जांपल, स्लो रेस्टिंग। वाले का रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग को क्या लगते हैं, लोहे का जंग लगना, यस सर, रस्टिंग ऑफ आयरन, वो एक लो स्तंभ कहाँ है, लो स्तंभ कहाँ पे है, लो स्तंभ कहाँ पे, एक लो स्तंभ करके है ना, जहाँ पे अभी तक भी वो कौन सा चीज यूज की गई है ऐसा कि अभी तक बहुत कम उसके ऊपर असर हुआ है, तो वहां पे रस्टिंग ऑफ आयरन क्या क्या रिएक्शन होती है, Fe का ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन हो रही होती है, ऑक्साइड बना रहा होता है, यस और फास्ट में क्या हो गया, एग्जाम्पल में एसिड बेस सर, रिएक्शन हो गई, सिमिलर। एसिड बेस रिएक्शंस काफी फास्ट होती है, और मीडियम, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर मीडियम गति वाली रिएक्शंस, मान लो ये लो भाई पीसीएल 5 है, कन्वर्टिंग इनटू पीसीएल 5 प्लस सीएल2, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं वो दही का जमना वाला, वो यस सर, भी यस सर, तो लगा ही देता है पूरा जमने में, तो ठीक है ये कोई ज्यादा है नहीं, बच्चों वाला काम है। उसके बाद में असली टाइप ऑफ रिएक्शंस है, रिएक्शंस कैन बी कैटेगराइज इनटू दो टाइप, एलिमेंट्री रिएक्शन
एलिमेंट्री को सिंपल रिएक्शन भी बोलते हैं, और दूसरा है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये है किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स, कितने स्टेप्स पे रिएक्शन हो रही है। सिंपल रिएक्शन कितने स्टेप में हो रही होती है, एक स्टेप में। रिएक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं याद है किसी को? जटिल बोलते होंगे है ना, जटिल अभिक्रिया या यस सर, और एलिमेंट्री को साधारण अभिक्रिया या प्राथमिक अभिक्रिया। ओके, प्राथमिक, प्राथमिक एंड जटिल। तो बात सीधी सी है, जो एलिमेंट्री है वो कितने स्टेप में हो रही होगी, एक ही स्टेप में खत्म हो रही होगी। तो ये वाली रिएक्शंस है सिंगल स्टेप रिएक्शंस। और ये वाली कितने स्टेप हो गई, मल्टी स्टेप, एक से ज्यादा स्टेप। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान लो ए कन्वर्टिंग इनटू टू बी और फिर बी कन्वर्टिंग इनटू थ्री सी। आपको ऐसे बता रखा है कि ये दो क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये दो क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन। ए कन्वर्टिंग इनटू टू बी और बी कन्वर्टिंग इनटू थ्री सी, तो क्या मैं इन दोनों को ऐड करके लिख सकता हूँ टू टाइम्स करके, या इधर अभी टू बी कर दो तो क्या लिख सकता हूँ इनको ऐड करके, ए कन्वर्टिंग इनटू थ्री सी भी लिख सकता हूँ मैं, आया ना? Yes, sir. तो ये ए कन्वर्टिंग इनटू थ्री सी सिंगल स्टेप रिएक्शन है कि मल्टी स्टेप रिएक्शन है? मल्टी स्टेप में कितने स्टेप इन्वॉल्व है अभी? दो स्टेप इन्वॉल्व है। तो ये सही में ये लिखा तो है मैंने, बट सही में ये ऐसे नहीं हो रही है, वो कैसे रही है, ये नीचे जैसे बता रखा है ए कन्वर्टिंग इनटू टू बी और फिर टू बी कन्वर्टिंग इनटू थ्री सी, ये दो स्टेप में मिलके हुई है टू स्टेप रिएक्शन। तो ये ए कन्वर्टिंग इनटू थ्री सी हो गया, ये क्या हो गई तुम्हारी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गई। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कम से कम एक तो क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा ही होगा। यस सर, इंटरमीडिएट को क्या बोलते हैं हिंदी में, इंटरमीडिएट जो मतलब क्या हो, बना हो तो आगे रिएक्शन का प्रोडक्ट अगली रिएक्शन का मध्यवर्ती, समध्यवर्ती, मध्यवर्ती या समध्यवर्ती, मध्यवर्ती यौगिक जो बीच में होते हैं रिएक्शन के, होते हैं मध्यवर्ती। हाँ, तो इंटरमीडिएट से सब समझ में आता है, यहाँ पे इंटरमीडिएट कौन है, क्या देख के लग रहा है, कौन है, बी है? यस यस, इंटरमीडिएट कौन है, बी है। तो यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, यदि सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो कितने इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होंगे? जीरो। यहाँ पे लिख लेना कि नो इंटरमीडिएट, नो इंटरमीडिएट। और यहाँ पे क्या है, बी है। कम से कम कितना होगा, एक होगा, एटलीस्ट वन इंटरमीडिएट। एटलीस्ट वन इंटरमीडिएट। तो यहाँ इंटरमीडिएट नहीं होता तो क्या होता है, आपने ऑर्गेनिक साइड पढ़ी हो, ट्रांजिशन स्टेट सुना है, मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें एस एन वन रिएक्शन होती है, कोई एस एन टू रिएक्शन होती है? यस सर। ओके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ना, एस एन वन और एस एन टू करके पढ़ा होगा। यस सर। तो उसमें अब आपको ऑर्गेनिक पढ़ाए क्या, रुको एक थोड़ा झांकी दिखाते हैं, क्या पता समझ में आए आपको। जैसे कि ये CH3I पड़ा है और आपने क्या भेजा, कहीं से मान लो OH- भेजा, तो ये OH- पीछे आके अटैक करता है, इसको भगा देता है, यही तो रिएक्शन होती है। यस सर।
तो ये SN1 है कि SN2 है? SN1 सोच के बोलो, SN2 बोले सोच के बोलो, बोला है तो दूसरी ही बोलेंगे, तो ऑप्शन ही खत्म हो गया। यहाँ पे क्या होता है, एक बीच में ऐसा स्टेट एग्जिस्ट आता है, ये OH- है, जब आपने क्या किया OH- ऐड किया, तो यहाँ पे एक ऐसा टाइम आएगा कि यहाँ पे ये CH3 में ये H ऊपर चला गया, ये दो नीचे H आ गए, और फिर ये I तुम्हारा टूट रहा है, और OH- या OH है वो आपका जुड़ रहा है, ऐसा एक स्टेट बीच में एग्जिस्ट करेगा, ऐसा बनाया है आपने मास्टरों ने किसी ने, और यस उसके बाद में टूटा है तो क्या बनेगा, फाइनली क्या होगा, ये आई माइनस निकल जाएगा, और वो इन्वर्जन ऑफ ज्योमेट्री भी बोल देते हैं कि इसका पहले जो जिस टाइप में दिख रहा था उसका उल्टा टाइप का दिखेगा, ऐसा डी और एल वगैरह ऐसा कुछ पढ़ाया होगा, पढ़ाया यस तो वो इसी वजह से आता है कि यहाँ पे फिर ये इधर एच चले जाते हैं और यहाँ आ जाता है, तो ये जो बीच में थोड़े टाइम तक एग्जिस्ट करता है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है मुझे बताओ जरा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, कितने बॉन्ड बना रखे हैं इसने, सिंगल बॉन्ड चार, तो चार इसका चार क्या बोलूंगा, SP2 के SP3, SP3 SP2 SP3 2 नहीं 3, 3 + 1 मिलके 4 हुआ ना, यस सर चार ये वाले का भी कितना है, SP3 ये वाले का क्या बोला, इसने तो पेंटावेलेंट पेंटावेलेंट बना हुआ है ना, यहाँ देखो यहाँ यस कार्बन सर टेट्रावेलेंट, क्या है टेट्रावेलेंट मतलब चार वैलेंसी है, यहाँ पे भी क्या है टेट्रावेलेंट, यहाँ कितने बॉन्ड बना के बैठा है, यहाँ पे पांच पांच बॉन्ड बना के बैठा है, यस कार्बन ये बहुत मुश्किल है पेंटावेलेंट, ये काफी स्टेबल होगा कि बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल अनस्टेबल, तो ये हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। ऑर्गेनिक की पढ़ानी शुरू कर दूं क्या, यस सर नहीं है क्या, नहीं सर अभी नहीं ऑर्गेनिक अभी मत पढ़ाइए नहीं बाद में भी दूसरी फैकल्टी पढ़ाएगी, मैं नहीं पढ़ाऊं, ऐसा होता है ना, ऑर्गेनिक का अलग फैकल्टी होता है, फिजिकल का अलग होता है ना, ऐसा तो मैं शुद्ध किसका फैकल्टी हूँ, फिजिकल फिजिक्स का, का सर इनऑर्गेनिक भी आप भी पढ़ाओगे हाँ जी इनऑर्गेनिक और फिजिकल, तो अब तो निधि जाके देखने लगी होगी खुशी, और ये कि कहीं गलत ना पढ़ा रहा हो, आता तो है नहीं इनको, है ना, पता नहीं क्या पढ़ा के जा रहे हैं सर, तो ये हाईली अनस्टेबल है, और इनफैक्ट आपको ऑर्गेनिक का ये वाला पार्ट वापस जाके पढ़ना, ये चैप्टर पढ़ने के बाद में केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने के बाद में आपको SN1 SN2 और ये क्या होता है, कभी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, कभी फास्ट हो रहा होगा, कभी स्लो हो रहा होगा, जो भी चीजें हो रही होगी वो सारी केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने के बाद में ज्यादा अच्छे से समझ में आती है, तो ये जो स्टेट होता है बीच में इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट को TS फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, किसको करते हैं TS, ट्रांजिशन स्टेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, रुको जरा हम ढूंढ के बताते हैं, संक्रमण अवस्था संक्रमण अवस्था, यस सर तो सुना है भैया संक्रमण अवस्था, ऐसा कुछ नाम सुना है, यस सर ऑर्गेनिक पढ़ना शुरू किया है, चैप्टर शुरू हुआ कि नहीं हुआ, SN1 SN2 वगैरह, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये चीज SN1 या SN2 पढ़ा दे बिना ये चीज बताए हुए, ये बताइए तुम्हें बीच में, तो यस सर ये जो ट्रांजिशन स्टेट होता है ये हाईली अनस्टेबल होता है, तो अब अपन क्या कर रहे हैं एलिमेंट्री और क्या करते हैं दूसरी वाली कौन सी कॉम्प्लेक्स, इनका थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, तो एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ये यहाँ पे ये हो गया एनर्जी और ये हो गया रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, मतलब रिएक्शन कैसे कैसे किस टाइम पे कहाँ है वो देखा जा रहा है, मान लो कि ये रिएक्शन है ए कन्वर्टिंग इनटू बी, और आपको ये भी दे रखा है
इसका डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो है मतलब एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? अरे यहाँ हीट दी गई होगी कि हीट रिलीज होगी? दी रिलीज, या तो दी या फिर रिलीज, एक ही बोलेंगे सर, रिलीज होगी। अरे देवी जी, जब डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो है तो डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो है का मतलब क्या है? एंथैल्पी चेंज ग्रेटर देन जीरो है, मतलब क्या है? कांस्टेंट प्रेशर पे हीट दी गई है, जब रिलीज होती है तब हीट का साइन क्या होता है? नेगेटिव में होता है, जब देते हैं तो क्या होता है? पॉजिटिव। आया ना ऊष्मा गति की थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है? हेलो, थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हो? सन्नाटा, कोई नहीं भैया। ये देखो, जब डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो है मतलब क्या है? हीट दी गई है, हीट दी गई है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक है तो मुझे बताओ रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल रहा होगा कि प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल रहा होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल रहा होगा कि प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल रहा होगा? रिएक्टेंट। आप समझिए इस बात को, बड़ा सही बात है ना, जवाब सही दिया आपने। कि ये कैसे समझ सकते हो आप कि एनर्जी रिलीज करके जा रहा है मतलब क्या है? एनर्जी रिलीज होना फायदेमंद है कि सिस्टम को देना फायदेमंद है? सर रिलीज, एनर्जी रिलीज होना फायदेमंद है कि रिलीज हो रहा है? जितना कम एनर्जी है यहाँ पे, जितना कम एनर्जी पे है उसकी उतनी ज्यादा क्या होगी? स्टेबिलिटी होगी। ये चीज हमेशा ध्यान रखे, एनर्जी ज्यादा है तो इंसान उछल कूद ज्यादा करेगा ना, और उछल करने को ही रिएक्टिविटी बोला जाता है। जितना ज्यादा एनर्जी है उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, जितनी कम एनर्जी है उतना ज्यादा शांत बैठा होगा इंसान। शांत बैठा होगा मतलब क्या है? स्टेबिलिटी, ये केमिस्ट्री के लैंग्वेज में। तो यहाँ पे ये ए हो गया, ये बी हो गया, देखो ये ए हो गया, बी हो गया। यहाँ देखो ए और बी में एनर्जी किसकी नीचे दिखा रखी है मैंने? ए। ए इसका मतलब क्या होना है? ज्यादा स्टेबल कौन है? ए। ए ये ऊपर है बी, तो ये रिलेटिविटी क्या है? कम स्टेबल है। और इनफैक्ट ये जो एनर्जी गैप, ये सारे अपन ग्राफ बनाएंगे एकदम एंड में आके, ये वैसे तो बताए जाते हैं थोड़े बहुत कहाँ पे, केमिकल इक्विलिब्रियम में। इसी का ही नाम क्या है? डेल्टा एच। ये जो है इसको ही डेल्टा एच बोलते हैं। और ये जो पीक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है कि सबसे कम स्टेबल है? ये वाला पॉइंट सबसे कम, सबसे कम, सबसे कम स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी क्या है? सबसे ज्यादा। तो ये वही वाला स्टेट है, आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो फोटो बना है इनमें से ये ए हो गया मान लो, ये बी हो गया, तो ये ऊपर वाला पॉइंट कौन सा? ये बीच वाला स्टेट आया था ये? यस सर। ये ऐसा नहीं था कि कोई रिएक्टेंट था कि प्रोडक्ट था, ना इंटरमीडिएट था, ये बीच में ट्रांजिशन स्टेट था। ये इतना स्टेबल होता है कि फटाफट से इधर चली जाती है रिएक्शन, फटाफट से इधर चली जाती है। इसको अपन आगे अलग तरीके से भी समझेंगे ये ग्राफ्स को, जब एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह पढ़ेंगे तब और ज्यादा डिटेल में जाके समझेंगे। बट यहाँ पे ध्यान रखें, एलिमेंट रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट नहीं होता, क्या होता है तुम्हारा? ट्रांजिशन स्टेट। अब ये हो गया एलिमेंट्री का किस्सा, एक हो गया कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। वही एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, इसमें क्या लग रहा है कितने स्टेप की रिएक्शन है? दो से ज्यादा। कितने स्टेप की है इसको देखो, आपको आराम से समझो। ऐसा हो रहा है कुछ कि मान लो ए किया, फिर टू बी से किसमें गया? सी में गया, तो दो स्टेप की रिएक्शन है। ये वाला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बीच वाला, ये इंटरमीडिएट को कर रहा है, इंटरमीडिएट।
शुरुआत वाला कौन हो गया रिएक्टेंट, फाइनल वाला कौन हो गया प्रोडक्ट, और दो स्टेप की है तो बीच में ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट भी कितने आएंगे दो। अरे हर एक एलिमेंट रिएक्शन के लिए ट्रांजिशन स्टेट एक आएगा, तो ये यहां से लेके यहां तक ये ट्रांजिशन स्टेट वन हो गया, यहां से कितना हो गया ट्रांजिशन स्टेट। जैसे अपन ने यहाँ पे एग्जांपल लिया था ए से टू बी, फिर टू बी से सी बना, तो ये देखो यहाँ से ए से टू बी बना, फिर टू बी से क्या बना पी सी बना। इसको जा रहा दिमाग में कि नहीं सर? जा रहा बाकी वालों? यस सर। तो ये नोट डाउन करो, अपन ऐसा भी पहचान सकते हैं ना जितने पीक्स है उससे पहचान सकते हैं कि कितने नंबर कितने स्टेप्स की रिएक्शन होगी। यस सर। जितने बार पीक है मैक्सिमा है उतने बार से समझ जाओ कि उतने स्टेप्स की रिएक्शन है, और जितने बार में ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट को छोड़ के बीच में जितने बार मिनिमा आ रहा है उतने क्या होंगे इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्वड होंगे। यस सही बात है। तो यहां देखेंगे नंबर ऑफ क्या कहते हैं इंटरमीडिएट्स, फर्स्ट कितना हो गया ट्रांजिशन स्टेट्स माइनस वन, और वो किसके बराबर हो गया नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ रिएक्शन माइनस वन। अब दो स्टेप की रिएक्शन है तो उसमें इंटरमीडिएट कितना होगा, दो स्टेप के इंटरमीडिएट कितना होगा उसमें कितने होंगे दो, ऐसा आपसे कभी कभी पूछा जा सकता। बना लिया सभी ने ग्राफ? यस सर। तो एक मुझे पहचान के दिखाओ, सेव बैक कर दीजिए नोट नहीं करा था। एक सेकंड हो गया। इसमें आपको क्या है ये ग्राफ दे रखा है, आप में इसको बताना है कि नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स चार, चार से तीन दो, तो चार दो वाला कौन है भाई? तीन है इंटरमीडिएट, तीन है सी, एक दो और तीन ना। यस सर। नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ रिएक्शन चार, तीन ये चार, और नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट्स चार, वो वाला कौन है एक दो तीन और चार, कर लोगे ऐसा आराम से? यस सर। यस सर। अभी आपको रिएक्शंस दे रखी है, रिएक्शंस दे रखी है उसको देख के आपको पूछा जा सकता है इसके लिए ग्राफ कौन सा होगा, तो रिएक्शन में देख लो कितने इंटरमीडिएट्स है, जितने इंटरमीडिएट्स है उसके हिसाब से ग्राफ बना सकते हो। yes. बनाना नहीं है बट एबीसीडी में ऑप्शन में दे रखा होगा, तो रिएक्शन देख के आपको ग्राफ पूछा जा सकता है और ग्राफ देख के आपको नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ रिएक्शन पूछा जा सकता है, कर लोगे? yes, sir. चलिए तो ये लिख लिया आगे बढ़े। yes, sir. Yes, sir. चलिए अब आता है इसका मेन काम, वेरियस टाइप्स ऑफ रेट्स, अलग अलग प्रकार की रेट्स, रेट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं दर। यस सर। यस सर। एक बार हिंदी में एकदम विभिन्न प्रकार की दरें, अब ये हेडिंग तो कुछ मजेदार बनी नहीं बट ठीक है, अभिक्रिया दरें। अभिक्रिया दरें अलग चीज है, अभिक्रिया दरें है कि नहीं है वो अलग चीज है ना, रेट ऑफ रिएक्शन अलग होती है, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अलग होता है, अभी जस्ट रेट्स पे फोकस कर रहे हैं। ठीक। यस सर। विभिन्न प्रकार की दरें, अब हम वापस इतना इंडियन वाली खत्म हो गई है, पहले आते हैं, पहले एक रिएक्शन लिख लेते हैं कि मान लो ए है वो किसमें जा रहा है, 2b plus c में जा रहा है, ये एक रिएक्शन a converting into 2b plus c,
तो ए टाइम के साथ में क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है। और बी और सी टाइम के साथ में बढ़ रहे हैं। तो ये इस ए की दर क्या होगी, अपियर होने वाली दर होगी कि डिसअपियर होने वाली दर होगी? डिसअपियर होने वाली। तो ए के लिए अपन टर्म बोलेंगे कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। और बी और सी के लिए क्या देखेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस। ये बात समझ में आ रही, बनने की दर और कम होने की दर। यस सर। तो कम हमेशा कौन होगा, रिएक्टेंट की प्रोडक्ट, रिएक्टेंट। और बनेगा कौन, अपीयर कौन होगा टाइम के साथ में, प्रोडक्ट। तो पहला अपन रेट डिफाइन कर रहे हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये किसके लिए डिफाइन किया जाता है, फॉर रिएक्टेंट्स। दूसरा रेट ऑफ अपीयरेंस, आर ओ डी टर्म से लिखते हैं, आर ओ डी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस को अपन लिखते हैं आर ओ ए के टर्म में। तो ये होता है फॉर प्रोडक्ट्स। बट रेट कभी नेगेटिव हो सकता है? रेट कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नो सर। दर कभी, दर कभी नेगेटिव हो सकती है? नहीं, कभी नहीं हो सकती। तो रेट खुद को कैसे डिफाइन करें अपन, या रेट को डिफाइन कैसे करें? रेट खुद की डेफिनेशन क्या लिखे, वेलोसिटी से। ये वेलोसिटी तो नहीं चाहिए होगी ना यहाँ पे, यहाँ कम और ज्यादा क्या हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन हो रही है। यहाँ पे लिखेंगे अपन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, टाइम टेकन। अब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलरिटी। तो C इक्वल टू एन बाई वी लिख सकता हूं मैं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोलरिटी यही होता है ना। yes, याद है? Yes, तो देखो यहाँ पे, यहाँ पे पूरे चैप्टर में देखेंगे, पूरे चैप्टर में अपन क्या रखेंगे, वॉल्यूम क्या रखेंगे, कॉन्स्टेंट रखेंगे। मेरी आवाज इको हो रही है क्लिप पे, मुझे ही सुनाई दे रही है वापस। पूरे चैप्टर में अपन वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रखेंगे, ये चीज दिमाग में रख लो। पूरे चैप्टर में अपन वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे, मतलब कैसा कंटेनर लेंगे, फ्लेक्सिबल की क्लोज्ड? क्लोज्ड। क्लोज्ड रहेंगे तभी तो बाउंड्री ऊपर नीचे नहीं होगी ना, क्लोज रहेगा तो वॉल्यूम क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। yes, तो वॉल्यूम मेरा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये बात ध्यान रखें। तो अब रेट को क्या लिख सकता हूं मैं, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इनटू टाइम, सॉरी डिवाइड बाय टाइम टेकन लिख सकता हूं मैं। यस सर। टाइम टेकन, ये वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इतना लिखो फिर आगे बढ़ते। हो गया? Yes, sir. तो रेट मान लो आर ओ डी ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ए क्या था तुम उस एग्जांपल में, रिएक्टेंट है, अभी टाइम के साथ में कम हो रहा हो, टाइम के साथ में कम हो रहा हो। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ, ये कितने लोगों को समझ में आया क्या लिखा है, कितने लोगों को समझ में आया क्या लिखा है? सर आया। दिव्या आपका आपका वापस आवाज आ रही है, बाकी लोगों को आ रही है क्या? यस सर। तो ये क्या है, रेट कैन नेवर बी नेगेटिव, निकले ना, रेट कभी नेगेटिव नहीं हो सकती।
भले डिसअपीयरेंस वाली है भले अपीयरेंस वाली है, रेट कैन नेवर बी नेगेटिव। तो मुझे बताओ कि ए था, ए कन्वर्टिंग इनटू बी प्लस सी है, तो ये ए शुरुआत में मान लो टी इक्वल टू जीरो पे ये इतना है, ए नॉट है, ये शुरुआत में जीरो जीरो, किसी टाइम टी पे ये कितना हो गया 18, ए नॉट माइनस एक्स हो गया, कितना हो गया ए नॉट माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा टू बी प्लस सी था, तो ये कितना हो जाएगा टू एक्स, और ये कितना हो जाएगा एक्स आया ना yes, yes. और ये ए नॉट माइनस एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं 80 लिख सकता हूँ yes, yes, ये चीज क्या हो गया बी टी, और ये किसके बराबर है See. इसका मतलब समझो कि ए नोट का मतलब है t इक्वल टू जीरो पे, नीचे टाइम दिखाया जा रहा है t इक्वल टू जीरो पे ए की कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, शुरुआती कॉन्सेंट्रेशन, और ये क्या हो गया किसी टाइम t पे ए की कॉन्सेंट्रेशन, वो पहले वाले से तो कम ही होगी yes, sir. शुरुआत में yes, sir. साथ में तो ये क्या हो रहा है कम हो रहा है, कितने अमाउंट से कम हो गई x अमाउंट से कम हो गई yes, तो यहाँ देखो अपन ने क्या लिखा था चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हुआ, शुरुआत में ए नॉट अब कितना हो गया 80, तो ये कॉन्सेंट्रेशन का चेंज ही हो गया yes, sir. Yes, sir. और डिवाइड बाय क्या लिख लिया टाइम टेकन। अब देखो इस चीज ही चीज को मैं थोड़ा अलग से लिख रहा हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ yes, sir. यहाँ क्या लिखा है मैंने, अभी देखो इसको वापिस जस्टिफाई करके दिखाता हूं इसको, क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं, ऊपर वाली चीज को ऐसा लिख सकता हूं मैं, यूजुअली चेंज कहां देखा जाता है फाइनल माइनस इनिशियल देखा जाता है yes. एक हमेशा कैसे देखा जाता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन मतलब किसी टाइम टी की कॉन्सेंट्रेशन, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये चीज नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी, इतनी चीज नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी क्योंकि मुझे रेट क्या रखनी है पॉजिटिव, तो आगे भी साइन क्या लगाया है नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव अब क्या हो गया पॉजिटिव, तो अपन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए ऐसा भी लिख सकते हैं। अब बताओ मुझे कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्या है तुम्हारा बी, बी या सी कोई सा भी है, ये बी लिख लो, ये कितना लिखूं, अब इसके आगे भी आगे नेगेटिव साइन लिखना है कि बिना नेगेटिव के चल जाएगा, तो बिना नेगेटिव, ये तो टाइम के साथ में ये किसी टाइम टी पे जितना था और टी इक्वल जीरो पे जितना था, तो टी पे ज्यादा ही है, टी इक्वल जीरो पे तो जीरो था वो yes, yes, यहाँ पे सीधा सीधा लिख सकता हूँ कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाय, तो ये आगे नेगेटिव साइन किसके लिए आएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस के टाइम की रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के टाइम, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के टाइम, बिल्कुल सही बात। अब मुझे आपसे टास्क ये है कि ए और बी और सी की रेट्स को आपस में क्या करना है, कंपेयर करना है या उनको लिंक करना है, ए की तो रेट ऑफ क्या है डिसअपीयरेंस और बी और सी की रेट ऑफ अपीयरेंस है, आपको आता होगा यदि ये चैप्टर पढ़ा है आपने, तो क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं माइनस ए बाय डी टी इक्वल्स टू वन बाय टू टाइम्स डेल्टा बी बाय डेल्टा टी और इक्वल्स टू डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, ये लिखना आता है कि नहीं आता आपको, आता है सभी यस सर यस सर, ऐसा रट के लिख रखा है कि जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आगे उनको डिवाइड करना है कि सही में आता है, आता है, तो बताओ जरा ऐसा क्यों लिखा, ए की यहां से क्या पता चल रहा है, चलो इसको मैं और आगे बढ़ू, ये लिख लिया आपने आगे बढ़े yes, sir. Yes, sir. तो ये वापिस मैं लेसन लिखता हूं, ऐसा क्यों लिखा गया देखते हैं, ए कन्वर्टिंग इनटू टू बी प्लस सी था, तो यहां अपन ने लिखा माइनस by delta t equals to 1 by 2 times b by delta t equals to c by delta t। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो लिखा गया है ये चीज क्या है, रेट ऑफ, ये पूरा इसके साथ में
ये जो चीज है ये क्या चीज है, रेट ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ ए, और ये इतनी चीज है ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑफ बी, और ये चीज क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बेसिकली आप ये लिख रहे हो कि आर ओ डी ऑफ ए इक्वल्स टू आर ओ डी ऑफ सॉरी आर ओ ए ऑफ बी बाय टू इक्वल्स टू आर ओ ए ऑफ सी, यही लिखना चाह रहे हो, यही लिखा है ना आपने? Yes, तो ऐसा क्यों लिखा है इसमें ये बताओ मेरे को, ये तो यही तो है आपके सामने, ऐसा कैसे पता चला कि भाई जितना ए की क्या कहते हैं डिसअपीयर होने की रेट है उसी रेट से सी बन रहा है, बराबर आ रही ना रेट, इसको मैं अलग अलग करूं तो इससे मैं क्या पता कर सकता हूँ कि आर ओ डी ऑफ ए इक्वल्स टू कितना है आर ओ ए ऑफ सी, ये पहली बात। दूसरी बात कि आर ओ ए ऑफ बी इज टू टाइम्स आर ओ डी ऑफ ए, ये कैसे पता चला, मतलब कैसे पता, लिंक कहाँ से आया? अरे सीधा सीधा लिंक है, डेफिनेशन से देखो, ये at माइनस ए नॉट, at माइनस ए नॉट की वैल्यू कितनी है, x ही तो है, अरे माइनस x उसका अपोजिट करो, ये a नॉट देखो, a नॉट माइनस at, a नॉट माइनस at, ये at, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो x ही तो आएगा। Yes, sir. इसको yes, sir. तो कि इसके x मोल क्या हुए हैं, रिएक्ट हुए हैं, इसके x मोल रिएक्ट हुए हैं या x मोल इसके क्या हुए हैं, a के डिसअपीयर, टाइम तो सबके लिए बराबर ही लग रहा है, अरे ए बी और सी के लिए नीचे तो सबके लिए कॉमन टाइम है, अरे ए की रिएक्शन का पार्ट है तो बेटा कॉमन ही टाइम है ना, अलग अलग घड़ियां लेके थोड़ा ना बैठे हैं। यस सर, जितने टाइम में एक्स अमाउंट ऑफ क्या हो रहा है ए रिएक्ट हो रहा है उतने ही टाइम में क्या कहते हैं सी और बी का कुछ एक्स और वाई अमाउंट ऑफ बना होगा, टाइम तो सबके लिए कॉमन चल रहा है ना, तो नीचे डेल्टा टी वाला सबके लिए कॉमन फिगर है, तो अभी बोल रहा हूँ कि ए का एक्स मोल्स रिएक्ट हुए हैं तो सी के कितने मोल्स बन रहे हैं, एक्स एक्स, तो इसके कम हो रहे हैं उतने ही टाइम में, एक्स सी के कितने उतने ही मोल्स बन रहे हैं, जितने टाइम में ए के जितने मोल्स रिएक्ट हो रहे हैं कम हो रहे हैं उतने ही टाइम में सी के उतने मोल्स बन रहे हैं, तो इनकी रेट क्या है, बराबर है, और ए के जितने टाइम में मोल्स कम हो रहे हैं उसके दुगने किसके बन रहे हैं तुम्हारे, बी के बन रहे हैं। यस सर, जिस टाइम में x मोल्स ऑफ a रिएक्ट हो रहा है उतने ही टाइम में b के कितने मोल्स बन रहे हैं, 2x बन रहे हैं, उसकी रेट बनने की क्या है, दुगनी है, a की जो डिसअपीयर होने की रेट है रिएक्ट होने की रेट है उससे b के बनने की रेट क्या है, दुगनी है, क्योंकि 2x है, ये बात समझ में आ रहा है? यस सर, रीजन। चलो अब यदि मैं आपको ऐसा लिख के बताऊं, मान लो ये a कन्वर्टिंग इनटू ये b प्लस c c, इसके लिए अपन लिख सकते हैं क्या लिखें, n b 1 by a, पहले l c, इसके आगे कितना लिखना पड़ेगा, 1 by a लिखना पड़ेगा, यस सर, प्लस टू 1 by b तो l b अपॉन l d इक्वल्स टू 1 अपॉन c 10 c अपॉन l d टाइम डेल्टा टी। अब इतनी चीज तो है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, इतनी चीज क्या है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, और इतनी चीज है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, बट एक टेक्निकली जिसका कोई मैथमेटिकल मतलब फील वाला कुछ चीज नहीं है, बस एक मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा गया कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए डिवाइड बाय उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो ये क्या बन गया आरओआर, आरओआर क्या मतलब, वो जो अभी आपकी अभिक्रिया दर हो गई, असली चीज अभिक्रिया दर है कि आरओडी और आरओए, आरओए आरओडी आरओए कि आरओआर, आरओआर आरओआर असली चीज नहीं है, ये दिमाग से हाँ यूज ज्यादा करते हैं अपन, बट असली चीज किसके कितने मोल्स रिएक्ट हो रहे हैं किसके कितने मोल्स बन रहे हैं, हकीकत वाली चीज तो कौन है आर ओ डी और आर ओ ए, ये तो एक जुगाड़ हो गया, इसके आगे ए की जगह मैं किसी और से रिएक्ट मतलब मान लो ये क्या था ए कन्वर्टिंग इनटू 2b प्लस सी है, अब इसके आगे मैंने दो से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2a कन्वर्टिंग इनटू 4b प्लस 2c, इन दोनों रिएक्शंस की रेट ऑफ रिएक्शन तो क्या हो जाएगी अलग अलग हो जाएंगी,
ये वाली रिएक्शन, समझ रहे हो ना बात, कि यदि मैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज कर दूं तो क्या हो जाएगी, रेट चेंज हो जाएगी। वो कौन सी रेट चेंज होगी, रेट ऑफ रिएक्शन। आरओडी और आरओए में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात ध्यान दें। मेरे पेपर पे दो से मल्टीप्लाई करने पे एक्स की जगह टू एक्स मोल रिएक्ट करने लग जाएंगे क्या कंटेनर में, कंटेनर को पता चला क्या मास्टर में आगे नंबर चेंज किया है? नो सर, कंटेनर में जो हो रहा है वैसा ही होता रहेगा। तो ये एक ना जबरदस्ती का जुगाड़ वाली चीज है, जो क्या करती है अलग अलग आरओडी और आरओएस को क्या कर देती है, लिंक कर देती है, बस उससे ज्यादा उसका मतलब नहीं है। बट हाँ, चैप्टर में ज्यादा यूज क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है। तो ये भी चीज क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी चीज क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस डिवाइड बाय देयर रेस्पेक्टिव स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। किसी का रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस डिवाइडेड बाय उसी का ही आगे जो नंबर है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उसको डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा आपका, रेट ऑफ रिएक्शन। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज हो जाएंगे तो क्या चेंज हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगी, हाँ या ना? Yes, sir. क्या स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज होने से आरओडी और आरओए चेंज होंगे क्या, सॉरी होंगे क्या? नो सर। यह नोट करके लिखना, आरओडी एंड आरओए डज नॉट डिपेंड ऑन, डू नॉट डिपेंड कर दो, डिपेंड ऑन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट समझते हो ना? यस सर। ये जो आगे नंबर्स है, और ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, आर ओ आर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो एक क्वेश्चन करते हैं जिससे ये चीज और ज्यादा समझ में आएगी। लिखिएगा, ये लिख के फिर एक क्वेश्चन लिखिएगा। आपको ये दे रखा है क्वेश्चन में कि 10 मिनट में 0.2 मोल्स ऑफ H2O2 कंज्यूम हुआ है। H2O2 क्या हो रहा है, डीकंपोज हो रहा है। H2O2 टूटता है तो किसमें टूटता है, H2O+O2 में, है ना? Yes, sir. अब ये लिखने के मेरे ऐसा भी बैलेंस कर सकता हूँ और ऐसे भी बैलेंस कर सकता हूँ मैं। Yes, sir. दोनों बैलेंसिंग सही है। तो आपको सबसे पहले पूछा क्या जा रहा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगा। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के लिए क्या लिखना है, चेंज अपॉन टाइम टेकन, आया ना? Yes, sir. क्या उसमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहीं से आता है क्या? No, नहीं sir. तो ये किसके बराबर होना चाहिए, इसका चेंज कितना हुआ, चेंज कितना हुआ, 0.1 कंज्यूम हुए और वॉल्यूम कितना लिखा है, 1 लीटर। तो मैं बोल सकता हूँ कि 0.1 डिवाइड बाय कितने मिनट्स है, 10 मिनट। तो ये कितना हो गया, 1/100 आ गया, आया ना? Yes, sir. अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पे डिपेंड करेगा कि पहली वाली रिएक्शन लिखी है दूसरी वाली रिएक्शन, इस पे डिपेंड करेगा क्या? नहीं। अरे कैसे भी लिखूं, 10 मिनट में तो कितने मोल कंज्यूम होने हैं उसके, 0.1 मोल ही कंज्यूम होने। आप सोचो हकीकत में कंटेनर में तो ये हुआ है, असली घटना इतनी हुई है कि 10 मिनट में 0.1 मोल ऑफ H2O2 कंज्यूम हुआ है। अब मैं बोर्ड पे आगे कभी 2 लिख लूं, कभी 4 लिख लूं, कभी 8 लिखूं, उसमें कंटेनर में 0.1 मोल की जगह ज्यादा या कम तो कंज्यूम होने नहीं हो जाएंगे ना, कि मास्टर क्या लिख रहा है यहाँ बोर्ड पे, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखे, पहली वाली रिएक्शन के हिसाब से निकालें कि दूसरी वाली रिएक्शन के हिसाब से निकालें? रेट ऑफ रिएक्शन किसके हिसाब से निकालें, पहली वाली के हिसाब से कि दूसरी वाली के हिसाब से? दूसरी वाली।
दूसरी वाली के हिसाब से क्यों, पहली वाले में क्या गलत है? तो दोनों का आएगा अलग अलग आ जाएगा पर। हाँ दोनों का ऑब्वियसली अलग अलग ही आएगा ना, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पहली वाली में क्या आएगा, ये फर्स्ट वाली में क्या आएगा? देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कितना है, 1/100 डिवाइड बाय इसका स्टेटमेंट का ऑप्शन कितना है, 1, तो ये डिवाइड बाय 1, और दूसरी वाली में 1/100 डिवाइड बाय कितना है, 2, ये 1/200 आ रहा है और एक आ रहा है 1/100, कौन सा वाला सही आंसर दे? ए बी सी डी में ये भी ऑप्शन दे रखा है, नीचे वाला भी ऑप्शन दे रखा है, कौन सा सही लगा है? जब आपको कोई रिएक्शन नहीं मेंशन है, आपको ये दोनों ही नहीं दे रखी है, जस्ट इतना दे रखा है कि H2O2 को क्या हो रहा है, डीकम्पोजिशन हो रहा है, आपको पता नहीं है कि फर्स्ट टाइप से उन्होंने मेंशन कर रखा है कि सेकंड टाइप से मेंशन कर रखा है, तो आप वैसे टाइप से करोगे जिसमें क्या आ रहे हो, होल नंबर्स हो, क्या हो, होल नंबर्स। तो कौन से वाले से करें, फर्स्ट वाले की सेकंड वाले से? सेकंड वाले से। और ध्यान रखो, रुको सुनो बात, यदि आपको ये रिएक्शन मेंशन कर रखी है कि इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, तो आप कितना निकालोगे, 1/100 की 1/200? 1/100। यदि आपको मेंशन है तो इतना ही नहीं है, जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा है उससे डिवाइड कर दो। अब नहीं मेंशन है तो आपके पास चॉइस है कि इससे करूं कि इससे करूं, तो आपको कौन से वाला लेना है, जिससे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट किससे हो तुम्हारे, होल नंबर्स। ये दिमाग में घुसी? यस सर। चलिए अच्छी बात, ये वाला सही मानेंगे, ये अपने हिसाब से लिख लेना क्या करना है इसके लिए। तो यहां से इस एग्जांपल से समझ में आता है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आप पेपर पे कैसे रिएक्शन लिख रहे हो उस पर नहीं डिपेंड करता है, सिर्फ कौन डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन बिल्कुल डिपेंड करता है कि आप कैसे लिख रहे हो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस नहीं करता डिपेंड। आगे बढ़े? यस सर। तो रेट्स को अपन दो कैटेगरीज में और कैटेगराइज कर सकते हैं, कि एक बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट को क्या क्षणिक रेट बोलते हैं, क्षणिक दर ऐसा होता है कुछ, तात्क्षणिक, मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए, मैंने हिंदी मतलब निकाला है जैसा तैसा। और दूसरा वाला एवरेज, औसत दर है ना? यस सर। एवरेज रेट, तो फर्क इतना ही है जितना स्पीड और वेलोसिटी में फर्क होता है ना? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी की जगह डेल कर देंगे, है ना, डेल कर देंगे, है ना? यस सर। एवरेज वाला आएगा तो ये डिब्बा आएगा, इसका मतलब क्या है, ये होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इतने मिनट में, जैसे पिछला क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन में रेट अपन ने कौन सी निकाली थी, ये जो रेट्स निकाली थी एवरेज निकाले थे कि इंस्टेंटेनियस निकाले थे, बोलो दस मिनटों में कितने मोल्स कंज्यूम हुए, और तात्क्षणिक क्या होता है कि उस मोमेंट पे, उस पल पे, उस टाइम पे इतने मोल्स, बात समझ में आ रही है, इतने टाइम में और उस टाइम में फर्क है, इतने टाइम का कौन सा हो गया तुम्हारा एवरेज, और उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे ये होता है, एवरेज होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इंस्टेंटेनियस है एट अ गिवन टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पे। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, लिखिएगा। आगे बढ़े? यस सर। लिखते जाएं साथ में क्वेश्चन।
बहुत हल्का फुल्का सवाल है, सबसे हो जाना चाहिए। ठीक आरओए किसका निकालना होगा, सी डी का कि ए और बी का? आरओए किसके लिए डिफाइन होगा? अपीयर, अपीयर कौन होगा? रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट। करो फटाफट। हो गया? यस सर। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी के लिए तो क्या करना है, कितने मोल्स का चेंज है? 8 × 10⁻², अपॉन 10 करोगे वॉल्यूम 10, और डिवाइड बाय पूरा टाइम कितना है 10। ये कौन सी रेट निकाल रहे हैं अपन, एवरेज की इंस्टेंटेनियस? एवरेज, इतने मिनट में इतने चेंज आया है ना, तो ये क्या हो गया तुम्हारा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, कितना आ रहा है ये वैल्यू? 8 × 10⁻⁴। हाँ, 8 × ये आ गया, 8 × 10⁻⁴ मोल्स, या 4 आ गया रेट। ठीक है, अब आप रेट ऑफ रिएक्शन आराम से निकाल सकते हो। अरे ये तो रेट सी की आई, उससे सी वाले के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, है ना? यस। सी वाले के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, कितना आ गया? 8 × 10⁻⁴ को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आया? 2 × 10⁻⁴। यस सर। अब बाकी वाले सबका निकाल लो, आपको जिसका चाहिए उसका निकाल लो। मान लो डी ए का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस चाहिए, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है, आया ना? यस यस सर। तो अब आपको 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, रेट ऑफ रिएक्शन है ही, उधर से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा सभी का, आ जाएगा जिसका निकालना है। यस यस सर। एक बार रेट ऑफ रिएक्शन आ गया, बाकी किसी का भी आप निकाल सकते हो।